दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है ये हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कोई भी काम करें उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, अन्यथा हम उस काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। कार्यालय में काम करने की बात हो या किसी व्यवसाय से जुड़ने की बात हो, यदि हम पढ़े लिखे होंगे, उस फील्ड के जानकार होंगे तो अच्छा काम करेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे, शिक्षा के बारे में, और विशेष रूप से प्रबंधन शिक्षा के बारे में, यानी मैनेजमेंट, प्रबंधन शिक्षा आज के दौर में। एक समय था जब हम पढ़ाई करते थे तो कुछ सीमित शाखाएं हुआ करती थी। साइंस की बात करें, आर्ट की बात करें, कॉमर्स की बात करें, ये सब ब्रांचेज हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ काफ़ी बदलाव हुआ है और कई ऐसी शाखाएं आ गई हैं जिनमें भी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है। प्रबंधन शिक्षा क्या है, क्या इसका महत्व है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर तुलिका सक्सेना, जो कि रोहेलखंड विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हेड हैं, डीन भी हैं। हम उनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तुलिका जी, बताएं कि प्रबंधन शिक्षा क्या है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है। सबसे पहला, प्रबंध तो घर से ही शुरू होता है। जो एक अगर हाउस मेकर की बात करें, एक लेडी की, तो अगर वो बजट बनाती है, वो उस बजट में कैसे फंड्स को एलोकेट करती है, वो अपनी प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करती है, अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसका प्रोक्योरमेंट से लेकर के एंड प्रोडक्ट तक लेकर के आना, हर जगह मैनेजमेंट है। अगर हम पहले की भी बात करें तो मैनेजमेंट तो आज का शब्द नहीं है, ये साल दर साल से चलता आ रहा है। वो वॉर्स हो, उसमें भी प्रबंधन था, वो किसी प्रजा को चलाना है तो वहां पर भी मैनेजमेंट है, और आज अगर हम कॉरपोरेट जगत की बात करें तो वहां पर भी मैनेजमेंट है जी। अब इसको हमने एक डिसिप्लिन में, एक प्रॉपर डिग्री के तहत बांध रखा है, जिसमें हम अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो क्रेडिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड सिस्टम्स, स्पेशलाइजेशंस की भी हम बात करते हैं। तो देखिए, पहले भी प्रबंध होता था, आज भी होता है, उसमें थोड़े से डिफरेंसेस हम कह सकते हैं। कुछ तो क्वालिटीज इनबॉर्न होती हैं, जो लोग हैं वो इनबॉर्न हैं, लीडर हैं, वो उनका अपीयरेंस हो सकता है, वो उनकी पर्सनालिटी हो सकती है, वो उनका बोलने का तरीका, वो उनका विजन, वो उनका रिस्क टेकिंग एक्टिविटी है, वो उनका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है, वो गवर्नेंस है, वो लीडरशिप है, वो इनबॉर्न होती है। और वो लीडर्स के रूप में कुछ नहीं भी किया है तो भी हमारे आमने सामने दिखते हैं। हो सकता है वो एक किसी खास पोजीशन पे ना हो, लेकिन फिर भी वो जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं वहां वो अपनी लीडरशिप को डिक्टेट करते हैं जी। और कुछ क्वालिटीज ऐसी जो हम समय के साथ एक्वायर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारी क्वालिटीज इनबॉर्न ही हो। तो 1994 के बाद जो रिफॉर्म्स आए, उसके बाद भाई हम भी ग्लोबली कनेक्ट हो गए, जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का एरा था, और बहुत से रिफॉर्म्स हुए हमारी पॉलिसी में, तो इंडिया को भी ग्लोबल लेवल पर आना था, अपना एजेंडा फहराना था। तो हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करा कि भाई ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं। उससे एक तो फायदा ये होता है कि स्टैंडर्ड अगर हम पहले से डिसाइड कर दें तो हम कंट्रोल मैकेनिज्म को भी ऑपरेट कर लेते हैं, हमें मालूम है हम यहां हैं और हमें यहां तक जाना है, तो हम उससे उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई दिस वाज द क्राइटेरिया वेयर वी शुड बी एंड वेयर वी आर राइट नाउ। तो व्हाट आर द पॉलिसीज व्हिच नीड टू बी ऑप्टेड और डिजाइंड और मे बी री डिजाइंड कि हम इस चीज को हासिल कर लें जी। तो ये एक बहुत बड़ा आया कि हमने एक नया डिसिप्लिन डेवलप करा, जो मैनेजमेंट सोशल साइंसेस का ही डिसिप्लिन कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि प्रबंधन पहले भी था और आज भी है, चाहे वो घर के प्रबंधन की बात करें, चाहे किसी युद्ध कौशल की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, हर जगह प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रबंधन का मतलब है एक डिसिप्लिन तरीके से उस काम को अंजाम देना। जी बिल्कुल। अब बात आती है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक टीचर एक क्लास के किसी एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना चाहता है जी, और वो जानता है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा उस क्लास को सही तरीके से मैनेज कर लेगा, तो वो क्या क्या क्वालिटी उसमें देखता है, और वो क्वालिटी उस बच्चे द्वारा नेचुरल होती है या उनमें से कुछ सोशली एक्वायर्ड होती है? देखिए, नेचुरल भी होती हैं और एक्वायर्ड भी होती हैं। हम ये नहीं, इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है कि अगर वो लीडर है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है
तो वो किसी एक वजह से है, और सिचुएशनल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं उसमें। तो अगर ऐसे में किसी बच्चे को चुनना है टीचर को, तो उसको कुछ चीजें जरूर देखनी होगी कि पावर टू टेक अ डिसीजन, द विजन टू सी व्हाट नीड्स टू बी डन इन द क्लास, और अगर कोई चीज विजडम का भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सही है वो सही है, उसको कहने का उसको करेज भी होना चाहिए और उसका विजन भी होना चाहिए, और वो पर्सनालिटी का भी पार्ट होना चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होनी चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होते हैं तो पर्सनल बायसनेस को आपको अलग रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो एक मॉनिटर आपकी चीजों को जिस पर्पज के लिए वी भाई हम यहाँ पर ये कि हमें एक पर्पज सर्व करना है, एक पर्टिकुलर पोजिशन पे इसलिए बैठाए गए हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ हमारे गोल्स हैं जो अचीव करने, तो मॉनिटर के भी ये गोल्स हैं कि उसको बच्चों से कैसे बात करनी है, उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो सिमिलर चीजें आप मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं। एक दौर था जब बच्चा इंटर के बाद यानी ट्वेल्थ पास करने के बाद में बीएससी बीए बीकॉम करता था जी, बीटेक करता था, उसके बाद फिर मास्टर डिग्री करता था, पीएचडी करता था अगर आवश्यकता होती थी। लेकिन आज बैचलर डिग्री करने के बाद में आपने प्रबंधन की यदि बात करें तो वो प्रबंधन के क्षेत्र में जाना चाहता है। बिल्कुल। ऐसा ये परिवर्तन कैसे हुआ और इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए उसमें दो इंटरफेस हो सकते हैं, एक तो पर्सनल कि बच्चे का अपना चॉइस क्या है, और दूसरा इंडस्ट्री। जनरली हम जब प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो इंडस्ट्री एकेडमिया का क्या इंटरफेस है उसकी भी बात करते हैं जी। एक बीटेक के साथ अगर एक मैनेजमेंट पर्सनल भी ज्वाइन करता है तो कंपनी भी इज भाई उसको एक ही शख्स में एक दो तरीके के पोटेंशियल मिलते हैं, क्योंकि उसका टेक्निकल ब्रेन तो है ही, वो बीटेक है प्लस वो मैनेजमेंट के भी स्किल से इक्विप्ड हो गया, तो उसके जो टूल्स हैं उसकी जो क्या कहते हैं शक्तियां हैं वो निकल गई कि एक में आपको दो चीजें की ये हो गई। तो देखिए एक तो एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, बच्चे को भी ये लगता है कि उस फील्ड में उसको अच्छा दर्जा मिल सकता है, अच्छी पोजीशन मिल सकती है, अच्छे पैसों का भी उसको गेन होगा, प्लस उसको अपनी बहुमुखी प्रतिभा को भी दिखाना है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि कुछ बच्चे बहुत रिजिड है कि अगर बीटेक है तो दे विल गो फॉर एमटेक ओनली, क्योंकि वो इंटेंशनली उसकी माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे तो फिर पीएचडी और हायर एजुकेशन में दूसरी डिग्रीज के लिए भी आगे बढ़ेंगे जी। तो ये एक ब्लेंड हो सकता है अलग अलग। हाँ लेकिन ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीटेक करने के बाद बहुत ही आत्म बच्चे अब मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं जी। तो ये दोनों ही रीजन है। एक कंपनी जो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तैयार कर रही है वो प्रोजेक्ट किसी भी फील्ड का हो सकता है जी, और उसके लिए उसे MBA किए हुए स्टूडेंट की तलाश होती जी, है जी जी बिल्कुल। वो कौन सी ऐसी क्वालिटी उस बच्चे में देखती है जी जो उसको लगता है कि वो इस फील्ड की भी जानकारी रखता होगा जी, या दूसरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानकारी रखता होगा, या हर प्रकार के एम्प्लाई होते हैं उनको कैसे वो मैनेज करेगा? बिल्कुल। देखिए मैनेजमेंट में एज मेनी एज हम मोर देन 30 सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं उसको 2 वर्ष के अंतराल में जी, जो सेमेस्टर सिस्टम में अब बहुत पहले से ही है और अब तो हमारा पॉलिसीज में भी है कि करना ही है जी। उसमें बड़ा वैरायटी है, वो एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी पढ़ता है, वो मार्केटिंग भी पढ़ता है, वो फाइनेंस भी पढ़ता है, वो इंटरनेशनल बिजनेस भी देखता है, वो प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशंस भी देखता है, वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी जानता है कि भाई पेरिशेबल गुड्स क्या है, उनकी शेल्फ लाइफ क्या है जी। अगर वो दही के बिजनेस में है तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, वो अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बीच में तो कितने दिन उसको स्टोर कर सकता है, उसकी कितनी लाइफ है। अच्छा अब उस प्रोडक्ट में किस तरीके से वो उसको बेचेगा, उसको प्रिक्योर करेगा, कैसे रॉ मटेरियल लाएगा, आईटी इंटीग्रेशन क्या है, क्या इम्प्रोवाइजेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की भी बात देखेगा। तो जो एक मैनेजमेंट का ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है वो मल्टी स्किल्ड भी हो जाता है, उसके उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हम उसको इस अवधि में पढ़ा देते हैं कि वो बहुत सारी चीजों की समझ भी रखने लगता है। अकाउंटिंग भी उसको आ जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी उसको आ जाता है, वो सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करता है, वो फाइनेंस टैली ये सब भी चीजें, वो बैलेंस शीट के भी बारे में बात कर लेगा कि हम प्रॉफिट में है लॉस में है, अब हम इसको क्या स्ट्रैटेजी डेवलप कर दें जी। तो इसलिए अब ये जो मैनेजमेंट डिसिप्लिन है वो कोई भी कंपनी एक उसके रिक्वायरमेंट की बात करती है, और स्पेशली बच्चे की केस स्टडी बेस कितनी है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग की ट्रेनिंग कितनी है,
और आजकल के बहुत सारे जो प्रीमियर आपके इंस्टीट्यूट्स हैं और मैनेजमेंट, हमारा विश्वविद्यालय जो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ, रोहिलखंड विश्वविद्यालय में भी हम बहुत इस बात पे ध्यान देते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा हो बच्चे की, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग हो, लाइव प्रोजेक्ट्स हो, वो जाकर के वहां सीखे, क्योंकि जो थ्योरीज मॉडल्स उसने पढ़े अल्टीमेटली तो उसको अप्लाई करना है फील्ड में। आपने एक और जिक्र किया आईटी इंटीग्रेशन का, जी ये क्या है और इसका क्या रोल है? जी जी देखिए, आईटी इंटीग्रेशन ही है कि हम आज और आप हम यहाँ बैठे हैं और हमें कितने लोग सुन रहे होंगे इस वक्त। उसी तरीके से ये आईटी इंटीग्रेशन पहले तो हम इन जनरल एजुकेशन सिस्टम में लेके आए और उसके बाद हम ये अपने मैनेजमेंट में एक्सक्लूसिवली, और कोरोना काल में बहुत सा लॉस हुआ, बहुत क्वाइट एपरेंट है, लेकिन हमने क्लासरूम टीचिंग को सीख भी लिया उस दौरान, हमने ऐसे क्लासरूम्स की वर्चुअल मोड में कैसे करेंगे इसको भी सीखा। जो चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं, हम टेक्नोलॉजी को अगर उसमें इंटीग्रेट कर दें, हम आईसीटी को उसमें ले आए, तो क्लैरिटी बहुत हो जाती है कॉन्सेप्ट में। हम टाइम सेव करते हैं, हम मनी सेव करते हैं, हम एनर्जी सेव करते हैं, हम उन मॉडल्स पे बात करते हैं जो देश विदेश में अदरवाइज जाना और उसको लेकर आ पाना, सीख पाना डिफिकल्ट होता। हम ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे हमने कुछ एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग कराई, हम कुछ बच्चों को ट्रेनिंग कराई या टीचर्स को ट्रेनिंग कराई, बिल्कुल। अब हम उसको इम्पार्ट कैसे करें, उसका ट्रांसफर कैसे करें, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू चीजें बहुत ईजी है। पढ़ाई में भी अगर आप बात करें, लैपटॉप की बात करें, सॉफ्टवेयर्स की बात करें, तो चीजों को इजी भी, मोड ऑफ इजीनेस भी की भी बात होती है, लेकिन हम उसकी क्लैरिटी को भी कई टाइम्स बढ़ा देते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन चीजों को लाइव कर देता है, लाइव प्रैक्टिकल्स और उसका मौका बच्चों को मिलता है। डिजिटाइजेशन के दौर में बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। एक और बात आती है कि जो स्टार्टअप है जी, आज के दौर में बहुत चर्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टअप सेटअप करने के लिए, स्टार्टअप को मैनेज करने के लिए जो भी MBA स्टूडेंट होते हैं या प्रबंधन से जुड़े लोग होते हैं, वो कितना सफल हो रहे हैं, कितनी आवश्यकता है उस फील्ड में? देखिए, सफल तो बहुत भी हो रहे हैं और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ही सफलता के आयाम बढ़ते जा रहे हैं, हम रोज ही देखते रहते हैं। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात हुई, हम स्टार्टअप्स के वेंचर्स जो करते हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स का टर्म देते हैं जी। तो जॉब सीकर्स की बजाय एक तो वो जॉब क्रिएटर्स हो जाते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो एक सैलरीड वर्कर ना हो करके अपनी काबिलियत से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और प्रबंधन तो वहां पर भी है कि हम कौन सा, एक तो प्लानिंग शुरू होगी, तो देखिए मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, इन कुछ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से हमारा बेसलाइन है मैनेजमेंट का, जो हम सीखते हैं और उसमें डिफरेंट एरियाज में स्पेशलाइज भी करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर भी यहीं से शुरू करता है, पहले उसको प्लान करना है, फिर उस प्रोडक्ट का कुछ प्रोटोटाइप आएगा या सर्विस का आएगा, जिसको हम प्री इंक्यूबेशन स्टेज कह सकते हैं, उसके बाद फिर वो इंक्यूबेशन के दौर में जाएगा, वहां पर वो किसी इंक्यूबेटर को ज्वाइन कर सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन को कर सकता है। हमारा विश्वविद्यालय भी इस पे बहुत काम कर रहा है और कुलपति जी का भी नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से, हमारे पास कई इंक्यूबेटर्स भी हैं जो रोहिलखंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन के नाम से हैं, और जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स इस तरीके से आते हैं और उनको हम बहुत तरह की फैसिलिटीज देते हैं। तो जो प्रबंधन है उसको भी बजट चाहिए, उसको भी चाहिए कि हम अब कमर्शलाइजेशन कैसे करें, उसका पेटेंटिंग कैसे कराएं, उसका ट्रेडमार्क कैसे बनवाएं। अगर सर्विस सेक्टर में जाना है तो हम उसका कॉपीराइट्स की हम जो बात करते हैं, तो ये सब की तो नॉलेज मस्ट है। और अगर मैनेजमेंट ही करना है उसको, एंटरप्रेन्योर को भी फर्क इतना है कि यहाँ पे उसके डिसीजंस, वो एक सैलरी, वो एक प्री डिसाइडेड शेड्यूल पे काम नहीं करता, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकता है, वो बहुत आगे चल के। तो जो मैं भारत का भी भविष्य की जो बात हम सभी कर रहे हैं, तो अगर हम इस चीज को प्रमोट करेंगे तो बहुत ही उज्ज्वल भविष्य हो रहा है और होने वाला है। एक आध बात आती है कि डिमांड और सप्लाई जी, जब मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा काम मिलता है, सफलता मिलती है, तो फिर उसी फील्ड से जुड़े बहुत सारे इंस्टीट्यूट जी खुल जाते हैं। बिल्कुल, मशरूमिंग कह सकते हैं जी जी, एक की जगह सैकड़ों इंस्टीट्यूट ऐसे खुल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो 2 साल के अंदर प्रबंधन के गुर
अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चे सीख करके अच्छी कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट से निकलकर या वहां पर ऐसा कोई माहौल होता है जहां बच्चे कुछ सीख पाते हैं? देखिए, सीखते तो जरूर होंगे वहां पर भी, लेकिन एक सेट क्राइटेरिया है, हमारी गवर्निंग बॉडीज भी हैं इसके पीछे। हम नैक की बात करें, हम एनबीए की बात करें, हम वेरियस आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात करें, इसलिए आप ये भी देखते होंगे कि कुछ इंस्टीट्यूट्स खुलते भी बहुत तेजी से हैं, फिर बंद भी हो जाते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि अगर वो उन सेट पैरामीटर्स को, चाहे वो यूजीसी हो चाहे वो एआईसीटी हो, उसके सेट क्राइटेरियाज हैं, कितने बाय कितने का रूम है, कितना इनटेक कैपेसिटी है, लैब में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या सॉफ्टवेयर होने चाहिए, स्टूडेंट टीचर्स रेशियो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, कितने एमओयूज आपने साइन करे, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आप रन करते हैं, लाइब्रेरी में आपका कंटेंट क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने वॉल्यूम्स हैं, कितने जर्नल्स हैं, बच्चों को आप अदरवाइज और कौन सा लाइव उसमें चीजों को करा रहे हैं, अगर उन पैरामीटर्स को देखें तो डेफिनेटली कुछ इस पे स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य ये यूथ है, वो जो पढ़ करके निकलेगा इसी से उसका जीवन है, वो ब्रेड अर्नर है, उसकी अर्निंग्स है, उसकी ग्रोथ है, तो उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा सीखना चाहिए, क्योंकि यूथ के ही हाथ में कंट्री होती है, बच्चों के ही हाथ में कंट्री, तो जहां से वो पढ़ लिख करके निकला वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको अपनी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स ना आए, उसको ऑलरेडी सीखा हुआ होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ह्यूमन रिसोर्स में ये पढ़ा था, मैंने मार्केटिंग तो इस तरीके से करनी चाहिए, फाइनेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो भाई अप्रेजल सिस्टम क्या है, या आप इवोल्यूशन कैसे हुआ है चार का, और इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बिल्कुल ये बात यहाँ पर इस मौके पे रखना चाहूंगी कि चीजें खुलें, बिल्कुल खुलें, बच्चों को हम नए वो देते हैं, क्योंकि देखिए जो रूरल हैं या सब अर्बन एरियाज में हैं, उनके लिए डिस्टेंस की या उसकी डिफिकल्टीज हो सकती हैं, तो ये बात तो ठीक है कि हम उनको भी मुहैया कराएं इस तरीके की हायर एजुकेशन सेक्टर में, क्वालिटी भी आए, क्वालिटी मेंटेन रहे, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि फिर ये फिर उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, टीचर्स हो, उनके लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, उनको रिसोर्सेस चाहिए, वो सब कुछ फुलफिल्ड हो, ये डेफिनेटली होना चाहिए। बिजनेस एजुकेशन की बात करें तो चाहे एचआर की बात करें या फिर मार्केटिंग की बात करें, एक और फील्ड है एग्रीकल्चर का। जी जी, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग खेती से, खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत सारी कंपनीज है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तैयार करती है, उनको भी बिजनेस से जुड़े बच्चे चाहिए। बिल्कुल, तो एग्रीकल्चर फील्ड में क्या कोई बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित डिग्री होती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जैसे हमारा चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में, जो आपका कानपुर में है, जिसको पत्थर कॉलेज के नाम से बहुत ही मशहूर है, मैं वहाँ से भी एसोसिएटेड रही हूँ HBTI और यहाँ के अलावा, तो उसमें तो पूरा ही मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए। अच्छा जी, कि जिसको एग्रीप्रनोरशिप की भी बात हम कर सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप को हमने मर्ज कर दिया, या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करके मैनेजमेंट का क्या योगदान होगा। तो देखिए, अब एग्रीकल्चर प्रधान हमारा देश है, तो अगर जो उसको कर रहा है, जो उसका मेन कर्ता धरता है, जो उसकी नींव है, उसको ये पता लगे कि सीट का सिलेक्शन क्या है, नए मार्केट्स में हमें खरीदारी कैसे करनी है। अब एक हम सिंपल आलू के चिप्स की बात ले लें, ठीक है, घर में एक लेडी ने आलू के चिप्स बनाए, घर तक वो यूज हुए, वो बहुत क्रिस्पी थे, सारी चीजें थी, उन्हीं चिप्स को बहुत प्रॉपरली पैक करा गया, उसकी लेबलिंग करी गई, उसमें थोड़े से आपने इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस और ऐड करे, उसी 1 किलो आलू जो चिप्स घर में बने, उसका यूटिलाइजेशन और वो ही चीज मार्केट में आ गई, तो कंटेंट तो वो ही था, लेबर भी थी, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसे हुआ, उसको प्रिक्योर कैसे करा, उसको डिहाइड्रेट कैसे करा, वहां पे सुखा करके करा और उसमें अदरवाइज करा, लेकिन वो किसान जो नींव है, लेकिन जिसको हम पैराडॉक्स भी कह सकते हैं, उसके उसमें कितना बड़ा फर्क आया। तो अगर उसको भी मैनेजमेंट या उससे जुड़े हुए लोगों को ये शिक्षा प्राप्त हो जाए कि भाई बेस्ट आप कैसे हार्वेस्टिंग करें, कैसे थ्रेशिंग करें, हम इथेनॉल की बात कैसे करें, हम जो क्रॉप सिस्टम्स हमारे यहाँ होते हैं उसके
अलावा हम मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं, एक ही साल में कई बार क्रॉप्स कैसे कर सकते हैं, एक ही फील्ड में कई तरीके के क्रॉप्स कैसे कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफ्टिंग हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो। तो इसको अगर हम मैनेजमेंट के साथ क्लब कर दें तो मैं सोचती हूँ कि वो बहुत ही एनहेंस हो जाएगा वो एग्रीकल्चर का। ऐसे काम की जानकारी देने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी बिजनेस मैनेजमेंट की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे महसूस करते हैं कि उन्हें MBA के क्षेत्र में जाना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट में उन्हें एडमिशन लेना चाहिए, ताकि वहाँ से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लेकर के, अच्छे गुर सीख करके वो किसी कंपनी में अच्छा उस कंपनी को परफॉर्म करें या अपना भी अच्छा जॉब सिक्योर करें। इसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगी उन बच्चों से तैयारी करने के लिए और खुद के अंदर ऐसी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले ही तो ये है कि बच्चे को कभी हताश नहीं भी होना है, हो सकता है बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट ना भी मिले तो भी। तैयारी करने के संबंध में उसको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करे, कोई एक मैगजीन उसको पढ़ना चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड हो तो स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छा है। अगर मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहता है तो कभी कभी देखिए बहुत ब्रेन ड्रेन होता है, बहुत ड्रॉप आउट्स भी होते हैं, कई सारी फील्ड के बच्चे भी मैनेजमेंट ओपन है, जैसे उसमें लॉ का भी बच्चा जैसे आ सकता है, उसमें आर्ट्स का भी बच्चा आ सकता है, उसमें साइंस का भी बच्चा आ सकता है, उसमें कॉमर्स का भी बच्चा आ सकता है, उसकी स्पेशलाइज फील्ड उसमें BBA का भी बच्चा आ सकता है। अगर मैनेजमेंट में जाना चाहिए है तो बच्चे को ये उसका मोटिव क्लियर हो और वो पहले से ग्रेजुएशन लेवल से वो उन फील्ड्स में ज्यादा पढ़ाई करे, जैसे कॉमर्स में कर ले BBA कर सकता है, तो उसको और अच्छी तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स में समझ में आएंगी चीजें, अदरवाइज उसमें कनेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि शुरू से ही एक अच्छी कोई भी एक बिजनेस मैगजीन, बिजनेस आउटलुक, या मैं कोई ऐसे तो स्पेसिफिक नहीं है, कई है, एक अच्छा न्यूज़पेपर उसको जरूर पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, उसकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, उसको डे टू डे की नॉलेज होती है, कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस या इस तरीके की चीजें, केस स्टडीज वगैरह पर इस सब चीजों को पढ़ता रहे। बाकी जो इसके टेस्ट हैं, CUET है, CAT है, अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग स्तर पे भी टेस्ट वो लोग रखते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी रखते हैं, कुछ कंबाइंड लेवल के भी टेस्ट हैं, अपडेटेड होना चाहिए उसको इन सब चीजों पे, उनको भरे, उनका कैरिकुलम देखे और उसी हिसाब से उसकी तैयारी करे और साथ में अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और कम्युनिकेशन पे भी अच्छा काम करे। प्रबंधन शिक्षा आज के दौर में कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में हमने बात की प्रोफेसर तुलिका सक्सेना से, जिन्होंने बड़े विस्तार से प्रबंधन के बारे में बताया। हम आभार प्रकट करते हैं तुलिका जी का कि हमारे कार्यक्रम आकर के हमारे दर्शकों से रूबरू हुई और जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।